विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर डेढ़ माह बाद दूसरी बार ट्रेन सेट का सफल ट्रायल हुआ। सोमवार को रेलवे बोर्ड की टीम कालका से धर्मपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन सेट को लेकर आई और मंगलवार को कालका सोलन तक ट्रायल किया गया, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस 3 कोच वाली ट्रेन कालका से मंगलवार सुबह 9:35 पर चलकर 11:40 पर सोलन पहुंची और लगभग 15 मिनट के बाद 11:55 पर सोलन से कालका की ओर रवाना हो गई। बता दें कि इससे पहले भी ट्रायल किया गया, जिसमें इंजन गर्म होने की समस्या के चलते ट्रेन कुछ ही दूरी तक ही पहुंच पाई थी, जिन खामियों को दूर करने के लिए इंजन कंपनी में भेजा गया और खामियां दूर कर दोबारा से इसका ट्रायल किया गया। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इसका सफल ट्रायल के बाद अब कालका से शिमला तक ट्रायल किया जाएगा। पंजाब के सिटी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।